हॉट पॉट स्टैंड। हम सबके किचन में होंगे, एक नहीं कई सारे होंगे, पर होता क्या है कि बहुत समय तक इस्तेमाल करने के बाद या तो इनमें कई बार जंग लगने लगता है या तो फिर बहुत रफ से हो जाते हैं, तो हमारा दिल नहीं करता, हम ले लेते हैं नए। पर पुरानों का क्या करते हैं, ये सोचने वाली बात है। नमस्कार, जुगाड़ू बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत। अरे भाई, करना क्या है, इतना बढ़िया सा हमारा ये स्टैंड है, इतना मजबूत है, तो किचन से निकल के सामान कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली अपने गार्डन में ही जाएगा ना। कुछ भी नहीं करना है, बहुत अच्छा सा आपका स्टैंड का काम करेगा। आप कुछ भी नहीं करें, बस अपना इसके तीनों सिरों पर रस्सी बांध दें और लटका दें। मैंने यहाँ पर अपनी बास्केट वाली चेन लगाई है, आप अगर चाहें तो चेन लगा दीजिए। बहुत महंगी तो मिलती नहीं है, मुश्किल से आपको 15 या 20 रुपए की चेन मिल जाएगी। थोड़ा सा इसके लुक को चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पर लपेट दी है अपनी नारियल वाली रस्सी। थोड़ा सा इसका लुक चेंज हो गया और थोड़ा सा इसकी खूबसूरती बढ़ गई, थोड़ी सी थिकनेस बढ़ गई, बस। आप अगर रस्सी नहीं लपेटना चाहते, आपको लगता है कि जंग लगा है, तो आप इसमें पेंट कर सकते हैं। और ये जितना बड़ा आपका स्टैंड होगा, उतना बड़ा आपका पॉट यहाँ पर लटक सकता है ना, क्योंकि स्टैंड भी अलग अलग साइजेज में आते हैं, तो आपका छोटा से छोटा भी काफ़ी सारा वजन ले लेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि स्टैंड कितना मजबूत है। तो बस बना डालिए, आप भी अपने किसी भी गमले के लिए, किसी भी टोकरी के लिए अपना इस तरह का स्टैंड। बहुत सारी हमारे आसपास चीज़ें पड़ी तो रहती हैं, पर हम सोचते हैं कि शायद किसी काम की नहीं होगी, पर नहीं, वही जो आपने बेकार समझ के चीज़ को फेंक दिया था, वही चीज़ आपके लिए बहुत मजबूत हो सकती है, बहुत यूजफुल हो सकती है, और सबसे बड़ी बात, बहुत खूबसूरत भी हो सकती है। तो जल्दी से बनाइए, हो सकता है आपके घर में भी पड़ा हो। हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और दोबारा से फिर से आइएगा अगला जुगाड़ देखने पर, उसके लिए चैनल की घंटी को बजा के ही जाइएगा। तो मिलती हूँ किसी अगले जुगाड़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।